शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा और आज जिस विषय पर हम लोग वार्ता करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं वह विषय है अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण। आज की इस वार्ता में हमारे साथ हैं डॉक्टर सोमू सिंह, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर सिंह, आपका हार्दिक स्वागत है। और इस विषय को समझने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वह सबसे पहला प्रश्न और मौलिक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारे शिक्षार्थियों को यह बताएं कि अनुभव क्या है और इसका संप्रत्यय क्या है। डॉक्टर सिंह नमस्कार। अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो हम शिक्षण पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए अनुभव पर आते हैं। हम सभी अपने प्रशिक्षणार्थियों को, जो कि इससे जुड़े हुए हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। उसका मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिमार्जन करना है, दूसरे व्यक्ति को सीखने में मदद करना या उसके सीखने में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये तो शिक्षण है और इसके लिए हमें अनुभव की आवश्यकता है, अनुभवों को उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन अनुभव क्या है इसको समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो मानव जीवन है उसमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उस जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो कि जन्म से ही प्रारंभ हो जाती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। और जो कठिनाइयाँ जब आती हैं तो इनको हल करने के क्रम में, समस्याओं को हल करने के क्रम में हम सभी पर्यावरण के साथ संपर्क स्थापित करते हैं या पर्यावरणीय तत्वों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और उसका जो उद्देश्य होता है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और यह समाधान तभी होता है जब हमारा जो व्यवहार है उसमें परिमार्जन हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, और यह प्रयास ही उस समस्या के समाधान को करता है। इसको हम इस रूप में भी जानते हैं कि हमारा ज्ञानवर्धन हुआ या हमारे अंदर कौशल विकसित हुए। तो इस प्रक्रिया में, जो कि स्वाभाविक है और इस पृथ्वी के अधिकांश जीवों के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें वो अपनी समस्याओं के हल हेतु पर्यावरण के साथ जो संपर्क स्थापित करता है वही मुख्यतः अनुभव की श्रेणी में आता है। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के दौरान वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के साथ व्यवहारिक रूप से संपर्क में आना ही और उनका प्रेक्षण करना, ये दोनों ही अनुभव की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर हम इसको इस रूप में समझें कि किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाली ऐसी घटना जो उसके संज्ञानात्मक या भावात्मक या क्रियात्मक पक्ष को या फिर तीनों पक्षों को प्रभावित करती है, वह अनुभव के अंतर्गत आती है। हम सभी समस्या हल करने के प्रयास में या कभी कभी समस्या नहीं भी हो सीखने के प्रयास में, हमारी या तो सोच में परिवर्तन आता है जिसको हम संज्ञानात्मक श्रेणी में रखते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं या हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, या कुछ कौशलों का विकास होता है हमारे अंदर तो वो क्रियात्मक पक्ष में आता है। इन तीनों तरह के परिवर्तनों में जो भी संपर्क स्थापित होता है पर्यावरण के साथ वो सब अनुभव के अंतर्गत आता है। और हम अगर बच्चे की बात करें कि बच्चे को अनुभव कहाँ से मिलते हैं, तो जिन बच्चों के साथ आप विद्यालयों में इस समय शिक्षण कार्य में संलग्न हैं उनका समुदाय और उनका स्थानीय वातावरण अनुभव या अधिगम प्राप्ति के लिए हम कहें प्राथमिक संदर्भ है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। उसी परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने अनुभव को इतने सहज और सरल तरीके से हम तक पहुंचाया। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षार्थियों को अनुभव क्या है यह बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सर आप मुझे ये बताइए और हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि ज्ञान क्या है
और यदि ज्ञान अनुभव से कुछ अलग है तो ज्ञान और अनुभव में क्या तारतम्य है, क्या संबंध है? डॉक्टर सिंह, शिक्षार्थी जैसा कि मैंने कहा, समस्या हल करने के क्रम में अपने पूर्व अनुभवों को स्वयं परिमार्जित करता है, यह भी उसके लिए एक नए प्रकार का अनुभव है और इसी को ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। NCERT ने 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की और उसमें स्पष्ट रूप से इसको उल्लिखित किया कि ज्ञान की कल्पना संगठित अनुभव के रूप में की जा सकती है जो भाषा विचार संकलन के माध्यम से अर्थबोध को पैदा करती है, जिसके माध्यम से हमें अपने संसार को समझने में सफलता मिलती है, या हम उसे व्यवहारिक रूप में समझें कि हमारे जीवन की जो आगामी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको हम आसानी से हल कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास हम कर पाते हैं। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ऐसा माना जाता है। ज्ञान और अनुभव के संबंधों को तो आपने ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया और यह बात समझ में भी आई कि अनुभव क्या है और ज्ञान अनुभव के साथ किस प्रकार से संबंधित है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान और अनुभव के परिप्रेक्ष्य में बच्चे सीखते कैसे हैं, वो नए नए विषयों को जानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इस पर सर जरा सा प्रकाश डालें। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, यह हमारे शिक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कई प्रश्न होंगे उनके मन में। हम सभी का अनुभव है, अपना अनुभव है कि एक इसकी जो श्रेणी है उसमें अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। अपनी जन्म के तुरंत बाद बहुत सारी चीज़ें बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वह अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों या कहें जीवों से सीखते हैं। अनुकरण बहुत बड़ा माध्यम बनता है जीवन के प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा सीखने का जो माध्यम है, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण द्वारा सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जिसमें हमारी विजुअल सेंसेस की बात है, प्रेक्षण के द्वारा सीखते हैं। वह व्यक्तियों को, वस्तुओं को या कहें घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं और उस के दौरान वह देखते हैं उसमें क्या घटित हो रहा है, क्या संबंध है तथ्यों के बीच में, वस्तुओं के बीच में, संप्रत्ययों के बीच में, उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं और वह इस प्रकार भी सीखते हैं। एक प्रयास और भी है सीखने का, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा कहते हैं कि बच्चे बहुत सीखते हैं। जैसे बच्चों के सामने कोई नई समस्या आई, अब उनके पास उसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में अपने अनुभव के आधार पर जो समाधान उनको लगता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अनुप्रयोग में लाते हैं, फिर भी समस्या नहीं हल होती है, फिर अगला प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि होती है। इसी क्रम में वो उनका जो अनुभव है वो परिमार्जित होता है और संशोधित होता है, संगठित होता है, कि स्थिति ऐसी आती है कि समस्या का हल उनको प्राप्त हो जाता है। तो यह भी एक तरीका है कि बच्चे हमारे प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा भी सीखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे करके सीखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सीखने का, कि बहुत से क्रियाकलाप वो स्वतः करता रहता है, बहुत से क्रियाकलाप उससे करने को कहा जाता है अनुभवी व्यक्तियों द्वारा, बहुत से कार्यों में वो, जीवन के बहुत से कार्यों में, स्कूल में, स्कूल से बाहर वो संलग्न रहता है, तो उसमें करके वो सीखता है, चाहे वो वहाँ पर मुख्य भूमिका में हो या केवल सहभागिता कर रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में वो सीखता है, उसे अनुभव मिलते हैं और ये भी एक तरीका है सीखने का। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि समस्याएँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी चर्चा के आरम्भ में कहा, समस्या समाधान द्वारा सीखता है। इसको इस अलग से भी समझने की ज़रूरत है कि जीवन की सभी समस्याओं हेतु वो प्रयास करता है, समस्या समाधान करने के बाद उसको जो समस्या का हल प्राप्त होता है वह अपने आप में उसके लिए नवीन ज्ञान होता है जिसको सृजित करता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है सीखने का, प्रश्न पूछना।
प्रश्न पूछकर या खोज कर या अन्वेषण द्वारा। हम सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आना स्वाभाविक है, जिज्ञासाएं आना स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। तो इस प्राकृतिक स्थिति को शिक्षक यदि कक्षा में इस्तेमाल करे, उसका यूज़ करे, तो इस के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है और उनके प्रश्नों को, उनके प्रश्नों के माध्यम से संवाद को प्रोत्साहित करके उनको सिखाया जा सकता है, उनके अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उनके ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जा सकता है। शिक्षार्थियों, आपने देखा कि अभी डॉक्टर सिंह ने बच्चे कैसे सीखते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं सीखने के, उस पर बिल्कुल विस्तार से प्रकाश डाला। अब हम डॉक्टर सिंह से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें यह बताएं कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ज्ञान की जो निर्मिति है वह किस प्रकार से होती है और ज्ञान का निर्माण होने में हम किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे शिक्षकों के लिए, इसकी समझ होना। नए विचार का जब भी हमारा विद्यार्थी सामना करता है तो सबसे पहले उसके पास जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसका पूर्व अनुभव है, उसी के साथ नए विचार का वो सामना करता है। तो पहली उसकी कोशिश होती है कि उस पूर्व ज्ञान से इस नए ज्ञान का संबंध क्या है, वो यह खोजता है। इसी खोज में वह उस संबंध को पहचानता है कि मेरा जो पूर्व ज्ञान है, मेरा जो पूर्व अनुभव है, इस नए विचार से किस तरह संबंधित है या संबंधित नहीं है, और इसी इस प्रकार वह ज्ञान को सृजित करता है। जैसे बच्चों को गिनती आती है, हमने काउंटिंग उनको सिखाई हुई है, काउंटिंग जानते हैं, उसके बाद वो जब जोड़ने की प्रक्रिया सिखाई जाती है तो गिनती से जोड़ने का जो संबंध है उसको वो समझ करके ज्ञान का सृजन करते हैं कि हाँ, जोड़ने की प्रक्रिया में गिनती का ये महत्व है। गिनती उनका पूर्व ज्ञान है और जोड़ना उनके लिए नया विचार या नया ज्ञान या नया संप्रत्यय उनके संज्ञान में जुड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे संप्रत्ययों से उनका सामना होता है, उनकी जो पाठ्यचर्या में जो निर्धारित पाठ्यचर्या है, कई संप्रत्यय उनको पढ़ना है, विषयों में उनको श्रेणीबद्ध किया गया है, विभिन्न संप्रत्ययों के बीच अंतर संबंध क्या है, उन अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके भी नए ज्ञान का निर्माण होता है। वह संप्रत्ययों के बीच में सममिति और असममिति को समझने का प्रयास करता है, तुलनात्मक रूप से वो देखता है कि ये संबंधित हैं या नहीं हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या विभेद है, इनकी व्याख्याएं किस रूप में की जा सकती हैं। तो अंतर संबंधों के माध्यम से भी ज्ञान का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था में एक मानसिक बिंब उनके मस्तिष्क पटल पर बनता है और उसके बाद कहें कि अंतर संबंधों का निरूपण होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ये भी ज्ञान निर्माण की अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि बहुत सी वस्तुएं उनके सामने उपस्थित नहीं होती हैं लेकिन उन वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी वह अमूर्त रूप से चिंतन करके तार्किक रूप से वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वह भी उसके लिए एक नवीन ज्ञान होता है। आजकल बहुत चर्चा इस बात की है कि अधिगम अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, विलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो शिक्षार्थी है एक सामाजिक परिवेश में है, स्कूल में भी वो सामाजिक परिवेश में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान समस्या के विभिन्न पहलुओं का वो मानसिक निरूपण करता है, समस्या के सारे संदर्भों को देखता है कि इस समस्या से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, उसके व्यक्तिगत संदर्भ अलग हैं, उसके जो मित्र हैं उनके घर के लोग किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। जब इन सारे संदर्भों का, सारे पहलुओं का वो मानसिक निरूपण करता है, परिणाम स्वरूप उसको समस्या का हल प्राप्त होता है और समस्या के हल की प्राप्ति ही ज्ञान का नया सृजन है। इसकी हमने पहले भी चर्चा की लेकिन यहाँ एक नई बात आपने इसको पुनः स्मरण किया होगा या समझा होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया से उसको लाभ यह हुआ कि समस्या के कई पहलू, इसे कहते हैं कि समस्या का व्यापक परिप्रेक्ष्य वो समझ पाया और एक अपने
हल तक वो आसानी से पहुंच पाया। आपने यह समझा विद्यार्थियों कि ज्ञान का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है और अनुभव उसमें किस तरीके से मुख्य भूमिका अदा करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि अनुभव निर्माण या ज्ञान के सृजन में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में। सर, अनुभव निर्माण जिसको हमने कहा कि वह ज्ञान का सृजन है, ज्ञान के सृजन का ही एक सहायक माध्यम है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, आप सभी शिक्षकों की क्या भूमिका है, इसको भी रेखांकित करना आवश्यक है। आप सभी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं और आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि जब भी हम विद्यार्थी के समक्ष कोई नया संप्रत्यय प्रस्तुत करते हैं तो वह थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करते हुए देखता है कि ये क्या है, उसके लिए नया है। तो हमें करना यह है कि विद्यार्थियों को जो वो सीखते हैं, जिन अनुभवों के साथ विद्यालय में आ रहे हैं, उन्हीं प्रयासों में हमें सहायता देते हुए नए संप्रत्यय तक उनको ले जाना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरीके से अपने नए संप्रत्यय को अपने शिक्षार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आप सभी के सामने आती होगी कि विद्यार्थियों की रुचि कैसे पैदा की जाए, विद्यार्थियों का ध्यान किस तरह हम अपने पाठ पर आकर्षित करें, हम किस तरह विद्यार्थियों की सहभागिता अपने शिक्षण अधिगम में सुनिश्चित करें। इन सब के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है कि सबसे पहले आप जो नया संप्रत्यय उसके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसको पूर्व ज्ञान से आप जोड़ें। उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण उनसे पूछ सकते हैं जो आपको पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके नए संप्रत्यय से संबंधित हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों को भी आसानी होगी उस लिंक को समझ पाना कि सर ने चर्चा की, हमारे गुरुजी ने चर्चा की, इस चर्चा से ही जुड़ी हुई एक बात है जिसकी कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता हैं। तो इस तरीके से उसकी रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी, उसका ध्यान भी उस संप्रत्यय से जुड़ा रहेगा और वो आपके शिक्षण के दौरान सक्रिय होकर के सीखेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षक है, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी कक्षा में यदि 30 विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, जितने भी हैं, उनमें से हर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी कक्षा में आने वाले विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, उनकी माता पिता का शैक्षिक स्तर भी अलग अलग हो सकता है और इसी से तय होता है कि उनके पास किस तरीके के अनुभव हैं। आप उनके प्रति संवेदनशील होंगे तो निश्चित रूप से आप जानकारी आपके पास होगी कि हमारे विद्यार्थी के पास क्या क्या पूर्व ज्ञान है, तो आप आसानी से अपने शिक्षण में उसका उपयोग कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जो भूमिका है कि हमें जो रियल वर्ल्ड एक यूज़ होता है कि वास्तविक संसार से जुड़ी चीज़ें और कंटेक्चुअल संदर्भगत प्रमाणिक कार्य करवाना है, उनसे ऐसी चीज़ें कराना है जो उन्हें लगे कि उनको दिखती हैं, अपने सामाजिक परिवेश में भी दिखती हैं, अपने समुदाय में वो चीज़ें दिखती हैं और वही हमें विद्यालयों में भी कार्य करने हेतु प्रदान की जा रही हैं। उसी कार्य के दौरान हमें उसमें विज्ञान सिखाना है, उसी में गणित सिखाना है, उसे कार्यानुभव देना है, उसे पर्यावरण की के संबंध में समझ विकसित करनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपका शिक्षण अधिगम कंटेक्चुअल होना चाहिए और रियल वर्ल्ड ऐसी चीज़ें हों जो वास्तविक हों। ये चर्चा मैंने पहले भी की कि विद्यार्थी के स्थानीय परिवेश से अधिकांश सामग्री और अनुभव प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्थानीय परिवेश को हम नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा, हमें उनके अनुभव को शामिल करना पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए वास्तविक उपागम प्रयोग करना, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है
कि अगर आप रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखा रहे हैं बच्चों को, या उनको सॉल्व करने के लिए आपने, उनको हल करने के लिए आपने ये अवसर प्रदान किया है, तो आप उनकी ट्रेनिंग करें कि वो उसके लिए वास्तविक उपागम का प्रयोग करें। जब विद्यार्थी आपके शिक्षा के संदर्भ में अगर हम समझें, तो जब विद्यार्थी समस्या के समाधान में संलग्न हों, तब उन्हें उस समस्या के वैकल्पिक समाधानों या मानसिक निरूपण तक पहुंचने के लिए आप प्रोत्साहित करते रहें। ऐसा हो सकता है कि समस्या उसके सामने जब आए हतोत्साहित हो जाए, उसको ये समझ में ना आए कि मैं इसको करने में सक्षम हूँ या नहीं, लेकिन यह आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आप अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि आपका एक समाधान कारगर साबित नहीं हुआ तो फिर आप प्रयास कीजिए, आप इस दिशा में प्रयास कीजिए। आप उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आप कुछ संकेत दे सकते हैं, उस संकेत को पकड़कर आपका शिक्षार्थी हो सकता है उस समस्या का समाधान तेजी से निकाल ले। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोत्साहन की। अपनी कक्षा में आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, शंकाओं का समाधान करने के लिए आप प्रोत्साहित करें और उनको अवसर भी दें। कहीं ना कहीं यह बात इस सिद्धांत की ओर इशारा करती है कि हमें अपनी कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक तरीके से निर्मित करना है, लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित करना है, तभी हमारे विद्यार्थी प्रश्न पूछ पाएंगे। बहुत से हमारे विद्यार्थी शिक्षक के एटीट्यूड से, शिक्षक द्वारा बहुत तेज़ी से डांटे जाने से डर करके अपने प्रश्न नहीं पूछते हैं। हमारे प्रारंभिक शिक्षक इस बात से भली भांति परिचित होंगे। आप सभी से एक शिक्षक के नाते मेरा निवेदन है कि आप भी अपने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहें कि जहां उनकी शंकाएं हैं आप मुझसे पूछिए, जहां आपको प्रश्न पूछना है या कोई बात आपको उसमें ऐड करनी है, कोई उदाहरण आपके मस्तिष्क में आ रहा है, आप हमको बताइए, कक्षा के दौरान बताइए। ऐसे अवसर आप जब पहल करेंगे तभी विद्यार्थी हमारे आगे आएंगे। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रत्यावर्ती क्रियाकलापों को और अभ्यासों को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाना है, वह सीखने के लिए सीखें, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी समस्याओं का समाधान करने के लिए अग्रसर हों, उन्हें ये लगे कि हम एक प्रयास तो करें। तो यह भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें जिनमें विद्यार्थी रहकर, चाहे व्यक्तिगत रूप से रहें वो या उसमें सामूहिक रूप से रहें, कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़े, कहीं ना कहीं उनको चिंतन करना पड़े, और वो चिंतन ही उस समस्या के समाधान तक पहुंचने का माध्यम हो, तो निश्चित रूप से वो चिंतनशील बनने के लिए तत्पर होंगे। कक्षा में सहकारी एवं सहभागी अधिगम को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है आपको। हम ये मानते हैं कि हमारी कक्षा में बहुत से विद्यार्थी प्रतिभावान होते हैं, और जब आप ग्रुप में कार्य करने का अवसर देते हैं तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अपने साथी विद्यार्थियों की वो सारे विद्यार्थी कर देते हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी, शिक्षक की उपस्थिति में भी। तो बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से, कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है, एक दूसरे के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करने का अवसर उनको प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, हो सकता है विद्यार्थियों को आपके अवसर मिला ही ना हो आपसे पढ़ते पढ़ते या आपके पढ़ाने के दौरान, कि वो अपने साथी विद्यार्थी की कमजोरियों को पहचान पाएँ या उनके मजबूत पक्ष को जानें। ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है कि आप जब उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग का अवसर हो, तो उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। स्कूली जीवन को स्कूल के बाहर के परिवेश से जोड़ना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इस बात को बहुत ही जोर दे करके कहा गया कि हम शिक्षकों को यह समझना होगा कि हम अपनी पाठ्य वस्तु के अधीन, उसके गुलाम बन करके ही न रह जाएं, हमें स्कूली जीवन को बाहर के परिवेश से जोड़ना होगा। उसके लिए सबसे अच्छा एक जो रास्ता है, या इसको हम तरीका कहें, आप सभी शिक्षक, आप करते भी होंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आप आयोजन करें, अपने विद्यालय में करें।
अपने न्याय पंचायत उसे कहें या अपने ब्लॉक लेवल पर भी आप प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, क्विज का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिता है, बहुत से बच्चों को पेंटिंग में रुचि होगी तो उनसे आप कह सकते हैं कि आप अपने घर का ही चित्र बनाइए। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहाँ उनके पास स्कोप हो स्कूल से बाहर के परिवेश को जोड़ने का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक शिक्षक के पास बहुत स्कोप है, हो सकता है आपकी पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा ना हो कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी कराना है, कौन कौन सा कार्यक्रम आपको कराना है, लेकिन आप जागरूक शिक्षक होने के नाते स्वयं इसकी तलाश करें, स्वयं इस अवसर को सृजित करें विद्यार्थियों के लिए, और उसमें जब आप विद्यार्थी सक्रिय रूप से सहभाग करेंगे तो उनको आनंद भी आएगा और वह ये समझ पाएंगे कि स्कूल की किताबों में भी वही बातें हमको सीखनी हैं, उन किताबों के माध्यम से भी हमको वही सीखना है जो कि हम घरों में अपनी चर्चा करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके प्रयोग के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तब आप अपने शिक्षार्थियों की अधिकांश ज्ञानेंद्रियों को शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में जोड़ लेते हैं, और ये जोड़ना कहीं ना कहीं अधिगम को सरल बनाता है, प्रभावी बनाता है, और ये सीखा हुआ जो भी ज्ञान है उनके मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से रहता है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में चाहे आप जहाँ आपके पास स्कोप है आप वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, आपके पास अगर स्कोप है आप शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में मॉडल बना सकते हैं, विद्यार्थियों को आप प्रेरित कर सकते हैं कि आपको पौधे के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ाना है, आप विद्यार्थी से कह सकते हैं कि आप अपने घर के बगल में जो पौधा है उस पौधे को देख करके या अपने विद्यालय में जो पौधा है इस पर चर्चा करें कि इसके कौन कौन से अंग हैं, तो कहीं ना कहीं उसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में पौधे का इस्तेमाल वास्तविक वस्तु के रूप में काफ़ी असरदार साबित होता है। विद्यार्थी अपनी सीखने की गति का, अपनी सीखने की प्रगति का स्वविश्लेषण कर सकें, ऐसे अवसर प्रदान करें आप, ऐसा ट्रेनिंग उनको दें, स्व आकलन करने की आदत विकसित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आस्पेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे विद्यार्थी वो यह समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना और सीखना है। अपने सीखने पर निगरानी करने की आदत अगर आप डाल देंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान स्वतः हो जाएगा। आप विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों का, अपनी कमजोरियों का स्वविश्लेषण कर सकता है, इस हेतु उन्हें आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति आप दें जिनसे वह स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सके। हतोत्साहित ना करें, उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाय अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने जो उनको पढ़ाया है, अधिकांश शिक्षक ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसा उन्होंने जिस रूप में बताया है या जिस रूप में उन्होंने उनको लिखवाया है, अगर वैसा उत्तर नहीं है तो वह विद्यार्थियों को डांटते हैं। यह आपका कार्य उनको हतोत्साहित करता है, उनको उनके परिवेश के ज्ञान से काटता है। आपसे निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें अगर कोई बच्चा अपने शब्दों में अपने परिवेश के उदाहरण से उसको स्पष्ट कर रहा है तो उसको भी सुने, उसको समझें और उसको भी प्रशंसा के योग्य माने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाना भी बहुत ही जरूरी है। शिक्षक जब शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है जिसमें सिखाया जाता है कि आप अपने प्रकरण को, अपने विषय को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इंट्रोड्यूस करें, प्रस्तुत करें, जैसा कि मैंने चर्चा के आरंभ में ही कहा, उन कौशलों के दौरान ये शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि उसे प्रस्तावना अपना किस तरीके से
टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को किस तरह प्रश्नों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना है चर्चा के दौरान। उद्दीपन परिवर्तन किस प्रकार करना है उसका भी बहुत असर पड़ता है उनके ज्ञान के निर्माण में, उनके अनुभव के निर्माण में। शिक्षण के दौरान आपके हाव भाव, आपके बहुत सारे शेप्स का आप एक्सप्रेशन देते हैं, उससे उनको आइडिया लगता है और फिर जाकर के अपने परिवेश में देखते हैं, चीज़ों में सममितियाँ खोजते हैं, तो वो क्लैरिटी होती है कि हाँ ऐसा ही कक्षा में हमको चित्र दिखाया गया या उसके बारे में संकेत बताया गया। तो चाहे प्रश्न पूछने का कौशल हो, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो, चाहे पुनर्वनपलन कौशल हो या अन्य कौशल, सारे कौशलों का जब आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शिक्षण प्रभावशाली होता है और विद्यार्थियों का अनुभव उसमें निर्मित होता है और सृजित करते हैं वो ज्ञान को। एक महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो मुझे दिखी, मैंने कहा आप सभी शिक्षार्थियों के साथ इसको साझा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिन प्रतिदिन बच्चे स्कूल में अपने आसपास की दुनिया के अनुभव लेकर आते हैं, वह पेड़ जिन पर वह चढ़े, वे फल जो उन्होंने खाए, चिड़ियां जिन्हें उन्होंने पसंद किया। हर बच्चा बहुत ही सक्रिय होकर दिन और रात के प्राकृतिक चक्र को देखता है, मौसम, बारिश, अपने आसपास के जानवरों और पौधों को भी देखता है। जब बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उनके पास पहले से ही समृद्ध भाषा होती है, छोटे अंकों का आधार होता है, उनकी अपने घर में अपनी एक आवाज़ होती है, अपने घर में अपनी बातों को रखने के लिए वो असर्ट करते हैं। बहुत ही कम शिक्षक उनसे इन अनुभवों के बारे में बात करते हैं, उल्टे हम सब करते क्या हैं, छपे हुए शब्दों और तस्वीरों की सहूलियत का सहारा लेते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी शिक्षार्थियों से कि आप उनके इस ज्ञान को, आप उन्हें ये ना माने कि उनके पास कोई भी अनुभव नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। आप ये माने कि उनके पास ये सारे अनुभव हैं, इन अनुभवों में उसकी अपनी एक आवाज़ है और वह उस आवाज़ को आपकी कक्षा में जगह मिले, आपके स्कूल में जगह मिले और उसी अनुभव को आप परिष्कृत करें, परिमार्जित करें, नवीन ज्ञान से जोड़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बार बार हम उनको कहते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, बच्चा कहता है कि सूर्य पूर्व में उदय कहाँ होता है, वो तो मोहनलाल के घर के पीछे से उदय होता है गुरुजी। अब ये उसका अपना व्यवहारिक अनुभव है, तो हमें यह सिखाना होगा कि जहाँ मोहनलाल का घर है, जिस दिशा में आप देखते हैं वह पूर्व की दिशा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटा सा एक उदाहरण है। एक शिक्षक होने के नाते हम उन्हें समझाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि आप जैविक और अजैविक पदार्थों की वस्तुओं की सूची बनाएं। किताबों में सूचियां दी गई हैं, उसी में से वो छांटना शुरू करते हैं, जो बना देते हैं सूची। उससे बेहतर है कि आप उनके साथ अपने स्कूल के मैदान में घूमने निकलें, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मैदान में घूमने निकलें और उनसे कहें कि आप पर्यावरण में इस समय जो वस्तुएं देख रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें और इनमें से आप एक सूची बनाएं कि कौन से जैविक हैं, कौन से अजैविक वस्तुएं हैं, अजैविक पदार्थ हैं। तो यह कहीं ना कहीं उनको एक असाधारण अनुभव देगा, जो पूर्व ज्ञान उनके पास है उससे उनका वह नवीन ज्ञान आसानी से जुड़ जाएगा और यह जो जानकारी है एक आनंदमय तरीके से वह सीख पाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे खेल बच्चे घरों में खेलते हैं और उन खेलों में वह बहुत सारे नियमों का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं, उनमें गणितीय संक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन हम एक शिक्षक के नाते उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें उन सारे लोक प्रचलित खेलों को समझना होगा कि आखिर जो बच्चा खेल खेल रहा है उसमें शिक्षक होने के नाते हमारे पास क्या स्कोप है कि उसी खेल को हम अपने विद्यालय में परिष्कृत करके खिलाएं
और उसमें नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर दें, जिसमें वह गिनती सीख ले, जिसमें वह जोड़ना सीख ले, जिसमें वह अन्य गणितीय संक्रियाएं सीख ले, जिसमें वह भाषा सीख ले, ऐसे हमें अवसर सृजित करने होंगे। इसमें होगा यह कि वह हमारा विद्यार्थी ये सोचेगा, अरे जो खेल हम अपने घर के बगल में अपने मोहल्ले में खेलते हैं, वही खेल हमारे इस विद्यालय में खेला जा रहा है, और उसी में वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने विषय का ज्ञान का अर्जन भी कर रहा होता है। तो ऐसा शिक्षण हमें देना होगा। यह सब जिम्मेदारी आप सभी शिक्षार्थियों के हाथों में है, आप सभी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसको समझते हुए आपसे निवेदन है, अपने अपने विद्यालयों में आप अनुभव का निर्माण अगर इस रूप में करेंगे तो आप अच्छे शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षार्थियों। इस शिक्षा सत्र में हमने देखा कि डॉक्टर सिंह ने बड़े ही विस्तार से अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण पर प्रकाश तो डाला ही डाला, साथ साथ उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से यह बताया कि अनुभव क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, ज्ञान क्या है, अनुभव और ज्ञान का संबंध क्या है, और शिक्षक किस प्रकार से अनुभव आधारित शिक्षण कर सकता है, अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण कर सकता है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का एक अंश लेते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि विद्यार्थी जो है वो जब भी आता है स्कूल में तो वो अपनी एक पूंजी के साथ आता है, अपने एक भाषा की पूंजी के साथ आता है। सर, उम्मीद है कि यह अध्याय हमारे शिक्षार्थियों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।